हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं राइस केक, जो कि ना बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और खाने में भी बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे राइस को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था। और मेजरमेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक कटोरे से 1 कटोरा चावल को भिगोने के लिए छोड़ दिया था। अपना जो भी कटोरा या फिर कप सेट कर ले इसे भिगोने के लिए। अपना भीगे हुए चावल को हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। मैं ना उसी कप से ना यहाँ पे पानी का भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे ना चावल डालने के बाद ना सेम उसी कटोरे से मैंने हाफ कटोरा पानी डाला है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसे ऑन ऑफ करते हुए अच्छे से इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसे बेक करने के लिए ना मैं यहाँ पे केले का पत्ता यूज करूँगी। राइस केक है जो कि ना बहुत ही अच्छी बनती है और ना इसे केले के पत्ते में बनाया जाता है। आप चाहे ना इसमें बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल ऑथेंटिक लुक में इसे बनाऊंगी और इसमें बिल्कुल केले का पत्ते का ही यूज करूंगी। तो यहाँ पे ना मैं थोड़े से केले के पत्ते को इस तरह से काट के इसे वॉश कर लूंगी ताकि क्लीन रहे। और मैं इसे एक बर्तन में इसे सेट कर लूँगी। तो इससे पहले ना मैंने इसमें थोड़े से घी से इसे ग्रीस कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ना मैं इसे 2 तरीके से बनाऊँगी, एक तो ओवन में बनाऊँगी, दूसरा इसे गैस पर पकाएंगे। तो ना यहाँ पे मैंने इस तरह से ना केले के पत्ते में इसे सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ इसे भी हमें केले के पत्ते से चारों तरफ इसे ढक देना है, क्योंकि ना आज हम उड़ीसा का ऑथेंटिक। और अगर आप केले के पत्ते का यूज़ नहीं करना चाहेंगे तो ना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ऊपर से थोड़ा सा हमें घी लगा लेना है केले के पत्ते में इस तरह से ढक कर बनाया कर लेना है। तो इसके ऊपर ना अच्छे से हमें केले के पत्ते को सेट कर लेना है ताकि ये नीचे तक ना जले। और इस राइस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से ना ग्रेट किए हुए नारियल, थोड़े से ब्लैक पेपर और इलायची को कूट के रखा है। थोड़े से नारियल को इस तरह से कतरन में काट लिया है और थोड़े से काजू लिए हैं। और थोड़े से काजू को ना मैं इस तरह से काट लूँगी छोटे छोटे पीसेस में, जिससे कि ना इसके अंदर जो फिलिंग के अंदर हम इसे डालेंगे ना तो ये अच्छा सा क्रंच आता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेंगे और फिर थोड़े से काजू को मैं रखूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना चलिए अपना ये जो केक को बनाने के लिए बाकी तैयारियाँ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले पैन गरम करूँगी। पैन में थोड़ा सा हमें घी डालना है और जो हमने जो काजू वगैरह लिए थे ना उसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें ये सब चीज़ों को इसमें डालना है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे जो हमने काजू लिए थे ना, काजू को हमें थोड़ा रोस्ट कर लेना है, जिससे कि ना इसका टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा रोस्ट करना है हमें काजू। जैसे रोस्ट हो जाए उसमें हमने जो बाकी चीज़ें रखे थे, जैसे कि ग्रेट किया हुआ नारियल और जो कतरन में कटे हुए नारियल और इलायची और ब्लैक पेपर का जो हमने पाउडर रखा था ना, उसे भी हमें इसमें डाल देना है। और अगर आप इसमें और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ना बादाम हो गया, किशमिश हो गया, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और नारियल की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ना फ्रेंड्स अब ना इसे इसमें दूध लेंगे। तो हमने इस कप से 1 कप चावल लिया था, तो इसी कटोरे से हमें इसमें दूध भी डालना है। जितना हमें चावल लेंगे उसका 4 गुना हमें इसमें दूध लेना है। मैंने 4 कप जैसे दूध लिया है। आप चाहे ना इसमें 3 कप दूध या फिर 1 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 4 कप के करीब दूध ऐड किया है। और दूध चाहे तो कच्चा हो या पका हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इसे दूध को अच्छे से पका लेना है। अपना इसमें मिठास को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और इसी कटोरे से ना मैं यहाँ पे 1 कटोरा और प्लस हाफ कटोरा इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो यह इसमें ना चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मीठा रहता है तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ें ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके उबलने तक का वेट करेंगे। जैसे ही ना इसमें उबाल आ जाएगा ना, हमने जो चावल का पेस्ट बना कर रखा था उसे हमें इसमें डालना है। तो ना चावल के पेस्ट को धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। एक हाथ से हमें चावल के पेस्ट को इसमें डालना है, दूसरे हाथ से हमें अच्छे से इसे मिक्स करते रहना है। तो आप देखेंगे कि ना ये जो दूध है ना थोड़ा सा थिक होने लगेगा। तो एक साथ ज़्यादा पूरा चावल का जो पेस्ट ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, जिससे कि ना ये लम्स नहीं पड़ेंगे।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, एक हाथ से मैं इसे चला रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं इस चावल को भी डाल रही हूँ। अब ना सभी चावल को डालने के बाद ना इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अभी हमें इसे नहीं छोड़ना है, लो फ्लेम में हमें इसे चलाते रहना है, जिससे कि ना ये चावल अच्छे से पक जाएगा। चलाते चलाते आप देखेंगे कि ना ये चावल ना थोड़ा सा ठीक होने लगेगा और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो ना आपको इसको चलाने में लगभग आपको 5 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसे कंटिन्यूसली लो फ्लेम में इसे 5 से 6-7 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मिक्सचर है बहुत ठीक हो चुका है। अब इसे गैस को ऑफ कर देंगे और गरम गरम ही हमें इसे इसमें डालना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे पहले से सेट करके रखा था। अपना पहले से सेट कर ले, फिर उसके बाद ना इसे डाल ले। तो अब देख सकते हैं पूरा मिक्सचर मैंने इन दोनों बाउल में इसे भर के फिनिश कर लिया है। अब ना थोड़ा सा गीला हाथ करते हुए ऊपर से इसे सेट करेंगे और चिकना कर लेंगे। तो गर्म है तो हाथ को थोड़ा सा गीला करके ही हमें इसे सेट करना है, जिससे कि ऊपर से अच्छा चिकना हो जाएगा। इसके बाद हमने जो यहाँ पे काजू रखा था उसे ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। अब इसे बेक करने के लिए मैं यहाँ पे तवा गर्म करूँगी और तवे के ऊपर इसे रखूँगी। आप चाहे तवे के ऊपर ना स्टैंड लगा कर भी रख सकते हैं, या फिर ना कढ़ाई में नमक डाल के भी इसे बेक कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर ना मैं यहाँ केले का पत्ता रखूँगी और इसे ऊपर से ढक और इसके ऊपर वेट देकर मैं इसे 35-40 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी बेक होने के लिए। और दूसरा वाला मैंने जिसे माइक्रोवेव में करने के लिए रखा था उसे मैं 180 डिग्री में 35 मिनट के लिए इसे बेक करूंगी। तो यहाँ पे ना ये 35-40 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा गर्म है तो मैं इसे कपड़े की हेल्प से इसे निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखते ये बना है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अच्छा धुआं निकल रहा है। मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया और ये साइड से आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन जैसे हो गया, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। और हमने यहाँ ना साइड में मतलब केले का पत्ता यूज़ किया था ना, जिससे कि ये ना बहुत ही इजीली ना अपने जगह से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये तो बनकर तैयार है। तो चलिए इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आप ना इसमें टूथपिक भी डालकर देख सकते हैं कि अच्छे से बना है कि नहीं। तो यहाँ पे ये तो अच्छे से बन चुका। अब लेकिन ना मैं यहाँ पे इसे दूसरी तरफ भी थोड़ा सा पका लूँगी, जिससे कि ये दिखने में भी अच्छा लगे। आप ना इसे इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ पकाने के लिए ना मैं एक तवा लूँगी, इसे थोड़ा सा इसमें इस तरह से केले का पत्ता रख दूँगी, जिससे कि ज़्यादा ना जले। और इसे सीधा इसके ऊपर मैंने पलट दूँगी, जिससे कि इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाऊँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एक तरफ से बहुत ही अच्छे से पका है। अब मैं ना इसे ऊपर से भी इस तरह से ढक दूंगी। तो चलिए इसे अब पूरा जब ये बन जाएगा तो पूरा ठंडा होने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ना ये जो राइस केक है ना बन चुका है, और ना जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ना हमारी वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अंदर से कितना सॉफ्ट है और कितना मुलायम है, और ना ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब ना माइक्रोवेव में हमने जिसे पकाया था ना उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इसे मैंने माइक्रोवेव में बेक किया था। तो ये देख सकते हैं नीचे से कितना अच्छा से बेक हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी बहुत ही सॉफ्ट बना है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।